अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चंद दिन पहले मैंने एक नई चीज़ मार्केट में देखी तो मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने जब उसके ऊपर सर्च की तो पता लगा पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट अभी खाली है उस कारोबार के लिए। तो जो लोग उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करना चाहें या उस बिज़नेस को करना चाहें उनके लिए एक मौका है। बाकी मैंने खुद भी घर में इंस्टॉल की है तो ईज़िली इंस्टॉल हो जाती है और पायदार भी है। तो बाकी आप वीडियो में देख लें। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, ये हमारे साथ हाजी अकील साहब मौजूद हैं जी। तो ये नई चीज़ इन्होंने लॉन्च की है पाकिस्तान में, ये आपको बताएंगे अब अपनी प्रोडक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी दोस्तों भाइयों, आज हम आपके साथ बेसिकली जदीद एक टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं और ये बेसिकली पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने दो में लॉन्च की थी और ये हॉट वाटर के लिए इस्तेमाल होती है CPVC। ये आप देख रहे हैं CPVC के ये सारे पाइप्स के पीस पड़े हुए हैं और ये इसकी तमाम हर किस्म की फ़िटिंग्स भी यहाँ पर मौजूद है। ये बेसिकली हम तमाम गल्फ में सारा मटेरियल CPVC पाइप ही यूज़ होता है और ये बिल्कुल एक्चुअल बेस्ड मटेरियल है। और इसके लिए हम इम्पोर्टेड, हमारा ये अमेरिकन सॉल्वेंट है CPVC के लिए स्पेशल, जो हम इसके लिए रिकमेंड करते हैं कि आप इसको यूज़ करें। बेसिकली हमारे यहाँ पर शुरू से जो है, पहले कास्ट आयरन पाइप आता रहा, वेस्टेस पाइप आता रहा और उसके बाद PPRC यूज़ हुआ। PPRC यूज़ हुआ लेकिन जब हम हॉट वाटर की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए तो हमने महसूस किया कि PPRC में बहुत से कबाते हैं, इसलिए हम रिसर्च की इसके ऊपर, फिर इंटरनेशनल लेवल पे बड़े टूर किए, फिर हमने फील किया कि CPVC एक ऐसी जदीद और एक अच्छी प्रोडक्ट है जिसको अपने मुल्क में लेकर जाना चाहिए। तो इन स्टार्ट बहुत से लोगों ने हमें डिस्करेज किया कि इसको चलाने में आप लोगों को बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हमारी नीयत थी कि हम इसको यहाँ पर लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, शोर देंगे, आर्किटेक्चर्स को, कंसल्टेंट्स को अप्रोच करेंगे, प्लम्बर्स को ट्रेन करेंगे और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। बेसिकली PPRC का सबसे बड़ी जो कबाहत है कि वो एक फ्लेमेबल मटेरियल है जिसको किसी भी टाइम आग लग सकती है। और ये हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा इग्नोरेंस है, जहालत है कि लोग इसको जो है गैस के कनेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और वो किसी टाइम भी वो इंतहाई ज़्यादा सीवियर एक्सीडेंट होने का अंदेशा होता है जिस पर फिर दोबारा आपको आग काबू नहीं आ पा सकेंगे। इसके लिए, इसके अलावा CPVC को हमेशा आग नहीं लगती और ये एक बड़ा ही फाइन जो है वो मटेरियल है। और सबसे बड़ी इसके मटेरियल में ये खूबी है कि ये किसी भी रफ़ मटेरियल और स्क्रैप मटेरियल से ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। हालांकि PPRC जो है वो एक्चुअल मटेरियल के अलावा आप वेस्ट मटेरियल का भी उसको आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ा जो हॉट वाटर, जो एक पानी के इस्तेमाल के लिए पाइप इस्तेमाल होता है, उसमें सबसे बड़ी कबाहत यह है कि PPRC में जब आप हीट से उसकी जॉइंट लगाते हैं तो हीट सम टाइम हीटर ओवर होने की वजह से उसका अंदर से जो है ना होल बंद हो जाता है और प्रॉपर पानी का फ्लो नहीं मिलता। हालांकि CPVC में ये चीज़ नहीं है, ये सॉल्वेंट जॉइंटिंग है, इसके लिए आपको कोई भी हीटर यूज़ करना नहीं पड़ता और बिजली का भी इसमें बचत है। आपके पास एक सिंपल सॉल्वेंट हो, आप इसको ये अपना एक कटर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक आरी का ब्लेड हो तो आप उसके साथ भी ये सिंपल इस पाइप को इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद भी कर सकते हैं, प्लंबर की ज़रूरत नहीं है जी। और ये आप जो है घरों में इसकी इंस्टॉलेशन इतनी इजी है कि आपके पास आरी का ब्लेड हो और सॉल्वेंट हो तो आप इंडिपेंडेंट छोटा मोटा इसकी वायरिंग करनी हो तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने तमाम इसकी जो है थ्रेड फिटिंग्स भी जो है, मेल अडॉप्टर्स है, टीज ब्रास हैं, एल्बो ब्रास है, यूनियंस हैं और इसके हैंडल वॉल तक जो है ये सारा CPVC मटेरियल में है। कीमत के लिहाज से ये है कि बेसिकली आप जब इसके एडवांटेज की तरफ जाते हैं और PPRC की कबाहतें की तरफ जाते हैं तो फिर बेसिकली तो अमाउंट इसकी जो है ना वो वेरी नहीं करती। और लेकिन फिर भी जब आप PPRC के अपना जॉइंटिंग की तरफ जाते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट लगाने पड़ते हैं, उसके लिए आपकी बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जोड़ों के साथ वायरिंग्स करनी पड़ती हैं और इसमें आपके जो है ना लेस जॉइंट इस्तेमाल होते हैं,
ये तमाम चीज़ों की वजह से जब आप इसको, हमने एक कॉस्ट चार्ट बनाया हुआ है जिसमें ये चीज़ प्रूफ करती है कि सीपीवीसी फिर भी आपको जो है वो पीपीआरसी के मुकाबले में सस्ता पड़ता है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी कवाते हैं पीपीआरसी में कि पीपीआरसी की वायरिंग में अक्सर जो है हवा पैदा हो जाती है, इसको आप ओपनली नहीं लगा सकते, ये क्रैक हो जाता है कुछ अरसे बाद, हालांकि सीपीवीसी बिल्कुल ऐसा नहीं है। और इसके अलावा सीपीवीसी की जो और बहुत बड़ी खूबियों में से एक खूबी है कि ये वेस्ट मटीरियल से प्रोड्यूस नहीं हो सकता, जबकि पीपीआरसी जो है वो इंतहाई वेस्ट मटीरियल से यूज़ हो सकता है। और इसके अलावा हमारी कोशिश है कि यहाँ पाकिस्तान में एक अच्छे मटीरियल को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा आज साहब ये बता दें कि ये अभी आपने तो शुरू किया, इसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन चिप वगैरह अवेलेबल है आपके पास? अगर कोई दूसरे शहरों में इसको जो है वो बनाना चाहे या आपसे डिस्ट्रीब्यूशन चिप लेना चाहे, और दूसरी बात ये है कि आप हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं इसका, ताकि जो लोग घरों में इसको करना चाहें वो आसानी से कर लें। तो ये ऐसा बता रहे थे कि ये जो इनके पास ग्लू है, सोल्यूशन है, ये देखें ये सिंपल पाइप का पीस है जी, और ये मैंने हाफ इंच की एल्बो ली हुई जी है। जी ये आप सिंपली इसको जो है हमारा सिंपली आप इसको जो है ये आप इसको इस तरह से आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले आप हल्का सा ये सॉल्वेंट को लेके, ये सॉल्वेंट हल्का सा ब्रश है ये, इसके साथ आप यूज़ करेंगे और आप इसको यूं ज्वाइन करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। और ये जो सॉल्वेंट है बेसिकली ये सीपीवीसी सॉल्वेंट है, जो कि जब हम इसको एल्बो की इनर साइड पे लगाते हैं तो ये बेसिकली इसकी जो सरफेस है इसको थोड़ा सा जो है ना हीट के साथ, ये सोल्यूशन केमिकल इतना हार्ड है कि जो इसकी सरफेस को जो है ना वो खुरदरा करके इस पाइप के साथ जो है ना वो बिल्कुल यकजान हो जाएगा। तो ये ऐसे ही जोड़ लगेगा कि जैसे एक हीटर का जोड़ लगता है और बिल्कुल इससे अलहदा नहीं होगा, आपको इसको काटना ही पड़ेगा और तोला मार के तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये जोड़ खुलेगा नहीं। और उसके अलावा जो है आपने बात की कि डिस्ट्रीब्यूशन के वाले से, इसकी अपना तमाम फिटिंग्स भी अवेलेबल है हमारे पास। ये इसका वॉल भी है, हैंडल वॉल भी है, और इसके ये तमाम यूनियंस वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अवेलेबल हैं, और एंड कैप वगैरह हर चीज़ इसकी अवेलेबल है ये हमारे पास। और इसके अलावा आपने बड़ी अच्छी बात की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, कराची में जब हमने इसको स्टार्ट किया तो ऐसा ऐसा थोड़ी प्रॉब्लम आई हमें, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में अच्छी खासी हॉट वाटर में हम इसको जो है मार्केट कैप्चर कर चुके हैं। अच्छा इसकी मैं आपको एक और बड़ी खूबी बता दूँ कि डोमेस्टिक गैस के कनेक्शंस पे, डोमेस्टिक गैस के कनेक्शन, घरों के जो गैस के कनेक्शंस हैं उसके लिए भी हम आपको ये सीपीवीसी कहते हैं कि आप रिकमेंड करते हैं है। कि आप घरों की जो डोमेस्टिक गैस के कनेक्शन है उसके लिए भी ये सीपीवीसी को इस्तेमाल कर सकते हैं बिला किसी खौफ के। उसका कोई प्रैक्टिकल हमें दिखा दें आप। मैं आपको जी अभी एक दबी डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ जिसमें आप ये देखेंगे ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त सीपीवीसी और पीपीआरसी को इसकी प्रेजेंटेशन है कि ये फ्लेमेबल मटेरियल है पीपीआरसी, और वो इसकी आप इसकी हालत देख रहे हैं कि पीपीआरसी की क्या हालत हो रही है, और सीपीवीसी को आग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसने नीचे क्या हाल कर दिया है, और ये उसने आग पीछे कर दी है और वो फिर भी जलता जा रहा है, और वो प्रॉपर उसके ऊपर उसने आग रखी हुई है जी। अपना नासिर भाई मेरे पास आए थे फर्स्ट टाइम और ये सीपीपीसी का सामान लेके गए थे अपने घर के कुछ काम के लिए, और ये इंतहाई मुतासर हुए हैं और इनको किसी प्लम्बर्स को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन्होंने ये फिटिंग इतनी कम्फर्टेबल थी कि उन्होंने खुद ही इसको इंस्टॉल कर लिया है। और ये हमारी प्रोडक्ट बड़ी मज़बूत है और बड़ी शानदार है जी, और पूरे पाकिस्तान में कोई भी शख्स अगर किसी किस्म कहीं भी हमारी इस प्रोडक्ट की सीपीवीसी की डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहता हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 03458289305, कोई भी शख्स जो है वो मेरे से राबता कर सकता है। ठीक है जी आज साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।